exercise. In last lecture, I explained till 6th question. Now I am explaining your 7th question. 12.1 exercise. 7th question में क्या है? Find the ratio of the following. 7th A part 30 minutes to 1.5 hours की ratio लेनी है. ठीक है, पहले units को same करना जरूरी है. यहाँ मिनट है, यहाँ आवर्स है, मैं रेशो नहीं ले सकती. तो मैं पहले क्या करूँगी, 1 hour = 60 minutes होते हैं. ठीक है, यू नो अबाउट कि 1 घंटे में 60 minutes होते हैं. 1 hour = 60 minutes. तो 30 minutes 30 minutes, 1 hour = 60 minutes. तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई. जब भी बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, अब दोनों यूनिट सेम हो गए. अब हम कैंसलिंग कर सकते हैं, डेसिमल हटाया है, 1 digit के बाद डेसिमल है 10, 0 से 0 कैंसल, 30 और यहाँ क्या बचा 15 and 6, 15 multiplied by 6, 15 1 the 15, 15 2 the 30, आ गया 2:6, 1 the 6, 2 1 the 2, 2 3 the 6. तो दैट इज योर आंसर. 7B part, 40 cm is to 1.5 meter की रेशो लेनी है. 1 meter = 100 cm होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा यूनिट. दोनों अब सेंटीमीटर में आ गए, अब आप कैंसलिंग कर सकते हो. ठीक है ना, तो डेसिमल हटाया 10, 0 से 0 कैंसल, 40 is to 15 into 10 150, 0 0 कैंसल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. 0 0 कैंसिल करने का मतलब होता है दोनों साइड मैंने 10 से डिवाइड किया है. ओके, दोनों साइड 10 से डिवाइड किया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे. 4:15, आप भी डायरेक्टली करोगे. सी पार्ट में आते हैं, 55 paisa to rupee 1. 1 rupee में 100 paisa होते हैं, तो 1 rupee की जगह डायरेक्ट 100 paisa लिख के कैंसलिंग करके आंसर. ओके, 500 ml to 2 liter, ठीक है, 5 ml is to 2 liter की रेशो लेनी है. इसमें भी यूनिट सेम करना पड़ेगा, 1 liter में 1000 ml होते हैं, दोनों सेम यूनिट आ गया, कैंसलिंग करके आंसर. डायरेक्ट 0 0 ऐसे कैंसिल कर देना. ठीक है, इसका मतलब है दोनों साइड मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, नो प्रॉब्लम. आगे जाओ तो आगे भी इसी में ही कर सकते हो, 5 1 the 5, 5 2 the 10, क्या आ जाएगा, 1:2 to the 4. ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 0 the 0. तो 11:20, आगे कैंसलिंग नहीं होती. आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000. फाइंड द रेशियो, ए पार्ट में है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स. ठीक है, अब अर्निंग कितनी है उसकी, 1,50,000, वो पूरे साल में कमा रही है, अर्न कर रही है, और उसकी सेविंग कितनी है पूरे साल की, 50,000. तो 4 zeros को डायरेक्ट 4 zeros से कैंसिल, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 5, 5 1 the 5, 5 3 the 15. ओके, सेम टेबल पे कैंसलिंग करनी होती है, ये कई बार बता दिए मैंने. अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो मनीषी देयर शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, उसने कितनी सेविंग की और कितने स्पेंड किए उसकी रेशियो निकालनी है. तो पहले स्पेंड कितने किए और निकालने पड़ेंगे, कितने उसने खर्च किए. 1,50,000 उसकी अर्निंग थी और सेविंग थी 50,000, सब्ट्रैक्ट किया तो स्पेंड कितने किया आ गया, इतना खर्च किया उसने. और फिर सेविंग इज टू स्पेंडिंग की रेशो बी पार्ट में निकालने के लिए बोला है, 4 0 4 0, बचा यहाँ 5, यहाँ बचा 10, 5 1 the 5, 5 2 the 10. ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं, एक कॉलेज में 4,320 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2,300 गर्ल्स हैं. हमें पहले पार्ट में निकालना है गर्ल्स टू नंबर टोटल स्टूडेंट, गर्ल्स भी दे रखी है, गर्ल्स को पहले रखना और स्टूडेंट्स को बाद में रखना, कैंसिल करके रेशो निकाल देना. बी पार्ट में है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, अब बॉयज दे नहीं रखे, तो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर देना, ये क्या आ गए आपके बॉयज. ठीक है, टोटल स्टूडेंट में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस हो जाएगी, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगी, आप रेशो ले लेना. 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में आपका, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस. अब अलग अलग रेशो लेनी है, जैसे बास्केट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. अब टेबल टेनिस के तो स्टूडेंट नहीं दे रखे, तो मैंने क्या किया, 1800 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से क्रिकेट बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले माइनस कर दिए,
बास्केटबॉल ऑप्ट करने वाले हैं, क्रिकेट ऑप्ट करने वाले हैं, तीन गेम्स में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। तो दो गेम्स वाले ऐड करके जब टोटल में से माइनस कर दिए तो ये तीसरी गेम को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट आ गए हु ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस। अब जो रेशो बोली है उस हिसाब से तीनों पार्ट आपने सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज की क्वांटिटी हो, ओके। इट कैन बी पेन्स, इट कैन बी पेंसिल, इट कैन बी बुक्स, इट कैन बी नोटबुक्स, कुछ भी हो। डजन का मतलब होता है 12। तो कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज रूपी 180 एंड 8 बॉल पेन्स इज रूपी 56, ठीक है। 12 पेन की जो कॉस्ट है, 12 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज है और 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट 56 रुपीज है। हमें रेशियो लेनी है कॉस्ट ऑफ अ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन की रेशियो लेनी है। अब अगर टोटल कॉस्ट 180 रुपीज है और 12 की है तो ए की कितनी होगी, 180 बाय 12। 12 पेन्स की कॉस्ट 180 रुपीज है तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, 180 बाय 12। तो 180 बाय 12 ये चीज आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके। और टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन दे रखी है, 8 बॉल पेन 56 रुपीज। 8 बॉल पेन अगर 56 रुपीज में आ रहे हैं तो 1 बॉल पेन कितने में आएगा, 56 डिवाइडेड बाय 8, ओके। जैसे सपोज मैं कहूँ आपके पास आपने 2 रुपीज के 8 पेन लेके आए हो, है ना। सपोज आपके पास 10 रुपीज थे, आपने 10 रुपीज के 5 पेन परचेज कर लिए, मम्मा ने आपको 10 रुपीज दिए और आपने जो शॉपकीपर है उसको पेन देने के लिए बोला तो उसने 10 रुपीज में आपको 5 पेन दे दिए। अब 10 रुपीज में 5 पेन मिल गए तो आप देखो कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हुई आपकी, ठीक है। इट मीन्स 2 रुपीज का एक पेन है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब अगर आप 5 बार 2 को ऐड करोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 10 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो भी 2 आएगा, मतलब एक पेन में आपने 2 रुपए खर्च किए, 2 रुपीज खर्च किए, है ना। तो सेम चीज है यहाँ पर कि 180 रुपीज में अगर आपको 12 पेन मिल रहे हैं तो एक पेन की कॉस्ट होगी 180 बाय 12 और 56 रुपीज में आपको 8 बॉल पेन मिल रहे हैं तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट होगी 56 बाय 8। कैंसलिंग करो, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 0 द 0, फिर 2 बचा यहाँ पर, 2 1 द 2 और 15 2 द 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड भी करके देख सकते हो और 8 7 द 56, तो 15:7 आपका आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक स्टेटमेंट है, रेशियो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ की रेशियो 2:5 दे रखी है, ठीक है। और आपने 2:5 के हिसाब से ब्रेथ इज टू लेंथ की टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें ना एक मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है आपकी बुक में। ये जो टेबल 13 क्वेश्चन के साथ दे रही थी वो बाय चांस बाय मिस्टेक 14 क्वेश्चन के साथ दे दी है, ठीक है। तो ये जो टेबल बनी हुई है ये 13 क्वेश्चन की टेबल है जो गलती से 14 में चली गई है, ठीक है। तो आपको ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ इज टू लेंथ की रेशियो पूरी करनी है आपने, टेबल पूरी करनी है और आपको रेशियो दे रखी है 2:5 आपको क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। तो 2:5 का मतलब क्या होता है, 2/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये मिसिंग दे रखा है और ये मिसिंग दे रखा है, ठीक है। अब 2:5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, मतलब रेशो का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर। मैंने कई बार बताया है कि रेशो का मतलब होता है दे आर द मल्टीपल ऑफ सेम नंबर। जब आपको रेशो दे रखी होती है आपको उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है तो कैंसिलिंग करते हो ना सेम टेबल में कि नहीं करते हो। तो इट मीन्स अगर आपको ये रेशो दे रखी है और उस हिसाब से आपको अदर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि ब्रेथ और लेंथ अलग अलग कितनी पॉसिबल हो सकती है, वो तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट आपको जो टेबल कैलकुलेट करनी है उसके हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे 2:5 आपको दे रखा है ब्रेथ इज टू लेंथ की रेशियो, तो
तो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 5 to the 10, 5 5 to 25, 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को यही नंबर आते हैं ब्रेथ इज टू लेंथ की रेशियो। रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 10 50 बना होगा तो 2 10 20 बनेगा। नीचे इसमें देखो 2 20 40 बना होगा तो 5 20 100 बनेगा। आप इनमें भी देख सकते हो, ये भी उसी हिसाब से होगी, जैसे 10 4 40 तो 25 4 100, ठीक है। तो इधर से देखो या इसमें अगर कोई इजी लगता है तो उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो ब्रेथ इज टू लेंथ की मीटर, ठीक है, जो आपको सिंपल रेशियो दे रखी है उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर से बट ओके। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में 20 पेंस डिवाइड 20 पेंस बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। शीला और संगीता के पास जो पेन की रेशियो है वो 3:2 है। आपने इन मतलब इस रेशियो में टोटल 20 पेंस को डिवाइड करना है। टोटल पेंस आपको दे रखी है 20, उनको आपने शीला और संगीता को 3:2 में डिवाइड करना है। मतलब अगर शीला को 3 पेन मिलते हैं तो संगीता को 2 मिलने चाहिए। तो 20 को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, तो देखो रेशियो में देखो शीला की 3 है और टोटल क्या हो गए 3 + 2 5, 3 + 2 5 एंड टोटल पेन दैट शुड बी डिवाइडेड ऑन 20। रेशियो में सम 5 बनता है ना, तो 3/5 इंटू पेन जो डिवाइड करने हैं वो 20, तो 5 4 20, 4 3 12। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रेशियो के हिसाब से 2 या 3 या 4 पर्सन में डिवाइड कर सकते हो। संगीता की रेशियो कितनी है 2 और टोटल रेशियो 3 + 2 5, तो 2/5 इंटू टोटल पेन दैट शुड बी डिवाइडेड ऑन 20, तो 5 बनता 5, 5 4 20, तो 2 4 8। तो अगर 20 पेन है तो शीला को 12 मिलेंगे और संगीता को 8 मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एजीज मतलब मदर ने 36 रुपीज डिवाइड करने हैं दो डॉटर्स श्रेया और भूमिका के बीच में और अकॉर्डिंग टू देयर एजेस इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब श्रेया की एज 15 इयर्स दे रखी है, भूमिका की एज 12 इयर्स दे रखी है, तो उनके रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या हो गया 3/5 to 15, 3/4 to 12, मतलब 5:4 उसकी एजेस की रेशियो है। तो इसी रेशियो में ही मदर ने उनके पैसे डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो मदर के पास कितने रुपीज है 36 रुपीज है, तो हाउ टू डिवाइड, श्रेया शेयर क्या हो जाएगा, श्रेया की रेशियो में क्या है 5/टोटल 5 + 4 9 इंटू टोटल मनी 36, तो 9 1 9 9 4 36, मतलब 5 4 20, 20 रुपीज मिलेंगे श्रेया को। और भूमिका को कितने मिलेंगे 4/टोटल 5 + 4 9 और टोटल मनी टू बी डिवाइडेड इज 36, तो 9 1 9 9 4 36, तो 16 रुपीज भूमिका को मिलेंगे, ओके। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 14 इयर्स। पहले पार्ट में ए पार्ट में आपको प्रेजेंट एजेस की रेशियो लेनी है, तो 14 1 14 14 3 42, तो 3:1 आर द इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। बी पार्ट में एज ऑफ द फादर टू एज ऑफ द सन, ऊपर वही फिर वही एडिंग आएगी फादर से सन से, व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। अब अगर सन की एज 2 इयर्स कम कर दी, मतलब 14 से 12 कर दी, तो 2 साल पहले की बात है, मतलब तो 42 का क्या हो जाएगा 40, उसमें से भी 2 माइनस करोगे और कैंसिल करके आंसर दे दोगे। सी पार्ट में एज ऑफ द फादर, फिर वही हेडिंग डालोगे फादर से टू सन से, और फादर आफ्टर 12 इयर्स, तो 42 प्रेजेंट एज है, तो आज से 10 साल बाद, आफ्टर 12 इयर्स मतलब आफ्टर 10 इयर्स मतलब आज से 10 साल बाद, तो 52 हो जाएगी। तो बेटा अगर 14 का है तो कितने का हो जाएगा 24 का, 10 इयर्स बाद, कैंसिल करके आंसर। डी पार्ट में एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, फादर 30 इयर्स ओल्ड थे, मतलब 42 अब हैं, लेकिन 30 इयर्स ओल्ड थे, तो मतलब आज से 12 साल बाद पहले की बात है, तो 12 इयर्स माइनस हो गए, तो इसमें से भी 12 माइनस कर देना, तो 14 माइनस 12 कितना हो गया 2, ठीक है। तो अब रेशियो ले लेना, तो दैट आर योर आंसर्स आफ्टर कैंसिलिंग। अब बेटे ये एक्सरसाइज आपकी 12.1 जो है वो ओवर हो गई है, आपने इस पूरी
करके और कोशिश किया करो, सारे एग्जांपल्स अटेम्प्ट किया करो, ठीक है, उन्हें भी करके और सेंड कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू।